बहन जी आओ, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कहते हैं, फूल ले जाना चाहिए कहते हैं, चमेली के फूल से खुश हो जाते हैं कहते हैं, गुलदावरी से और भी खुश हो जाते हैं कहते हैं, हार चढ़ाओगी तो मनोकामना पूरी हो जाएगी कहते हैं। फूल वाली, अगर मैं तुझसे फूल खरीदूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इन हाथों से तेरे गाल पे चांटा मिलेगा कहती हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, इन मासूम बच्चों पर जुल्म मत कीजिए। कहा था ना स्कूल खाली करने के लिए, अभी तक क्यों खाली नहीं किया? बेटा, इस बस्ती में गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए हमने स्कूल खोला है, हम पर अत्याचार मत करो, हम पर रहम खाओ। बुजुर्गों और मासूम बच्चों पर ताकत दिखाना अच्छी बात नहीं है, दुम दबा के भाग जा वरना तुम्हारा बजेगा बाजा। मैं हूँ यहाँ का बड़ा गुंडा, मेरा बाजा कोई नहीं बजा सकता, देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। तुम्हारा छक्का चलाने के लिए तुम्हारा बाप आने वाला है, तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, वो तुम सबको पकड़ के कस्टमर बना के रखने वाला है। है पानी बेचने वाला, मुझसे क्या लेना देना? किराए के गुंडे से मुझे भी क्या लेना देना? शराफत से टीचर जी से माफी मांग ले। ए, जानता नहीं मैं इस शहर के खतरनाक गैंग का लीडर हूँ, हमसे पंगा मत ले। तेरी खतरनाक गैंग है तो मैं भी जिगर वाली गैंग का लीडर हूँ। मासूम बच्चों पर जुल्म करने वाले तुझ जैसे कमीनों की 10 मिनट में धज्जा नहीं उड़ाई तो ये पृथ्वी इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। कहते हैं आदमी आदमी को बचाता है, लेकिन कमजोर को बचाने वाला भगवान होता है। तुम अच्छे इंसान ही नहीं भगवान के रूप हो, मेरे लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। माँ, बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया, इसलिए हर औरत में अपनी माँ की मूरत देखता हूँ।
और माँ की रक्षा करना बेटे का फर्ज होता है ना। सदा सुखी रहो बेटा। भैया आज हमारी रक्षा करने वाला हमें मिल गया है। अब अच्छा हो या बुरा हम सब आपके साथ हैं। हाँ भैया। गुंडों को मारा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डर? क्यों? तूने जिनको मारा वो छोटे मोटे गुंडे नहीं हैं, वो राजन बिहारी के आदमी हैं। राजन बिहारी? आए! सुनिए, बाहर कोई आया है। पता नहीं कौन है, बेवक्त आ जाते हैं। कौन हो? बॉस दाऊद मार्केट में है। और ये मेरा बाप, ये मासूम तोता मैं हूँ, और ये पागल कुत्ता मेरा भैया। बाप ने माँ को सीढ़ी पर से धक्का दिया, बेचारी का सिर फट गया और मर गई। क्यों रे बाप, मेरी माँ को क्यों मारा, बोल ना। अब इसकी बारी। क्यों रे भैया, अब किसको जान से मारने के लिए बाहर गया है, बोलो। वहाँ खून से रंगे हाथों को भैया पानी से धो रहे हैं, यहाँ ये खून जैसा लाल रंग थूक रहा है। अरे ओ पान पराग पंडित, तुम दोनों ने मिलकर किसको खत्म किया? लाल रंग से तुम दोनों को इतना प्यार क्यों है? बोल। लाल रंग जीत की निशानी है। तुम्हारा भाई अभी अभी जस्ट दो लोगों को टपका के आ रहा है। दो लोगों को टपका दिया। अब ये लाल कौन है? क्या हो गया वे? पृथ्वी नाम है, बस्ती का गुंडा। पंडित क्या हुआ? पुरानी बस्ती में दारू की दुकान खोलने के लिए छोटे बच्चों के स्कूल को खाली करवाने के लिए गया था, तो वहाँ किसी ने इसकी खूब मरम्मत करके पार्सल कर दिया। कौन है वो? पृथ्वी नाम है, बस्ती का गुंडा। तो मेरा आदमी है, जानकर भी उसने तुझे मारा? हाँ बॉस। पंडित, एरिया इंस्पेक्टर और एमएलए पोपटलाल को लाइन में बुलाओ। जी अच्छा, उसकी खबर मैं ले लूंगा। ये डिपार्टमेंट ही आपका है और मैं भी आपका आदमी हूँ। नमस्ते साहब। ये क्या कह रहे हैं साहब जी, इस एमएलए पोपटलाल के रहते हुए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो मेरे इलाके में रहता है, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उससे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। We'll be right back.
फंसे गले कर न दिल लगे सौ सदी से है मेरे प्यास ये जगे ना मुझे सता कर न दिल लगे खुशबू की तरह महके तेरा तन तेरा मन फूलों का हो मैं चमन तू सजन दिल दामनी है रंग चांदनी है तेरी सांसों में है अगन ना मुझे सता गले कर न दिल लगे मैं हूँ बिहारी बाबू के आदमी को मारा तूने हाँ उनके हाथ और पैर भी तोड़ दिए थे तोड़ दिए अपने आप को दादा समझता है अपने आप को गुंडा समझता है गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली एक बेसहारा औरत पर जुल्म करने वाले कमीनों को मारना अगर दादागिरी है तो मैं दादा हूँ मासूम बच्चों को बेरहमी से मारने वालों की पिटाई करना अगर गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ अरे 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 एक तो राजन बिहारी के आदमियों को मारा अब पुलिस के सामने डायलॉग मार रहा है एक खाकी वर्दी वाले भले लोगों पर अपना रूप मत झाड़ो उन गुंडों को जिसने भेजा वो पता लगा और उन पर दिखा अपने वर्दी का कमाल यहाँ इतने सारे लोग है गुस्सा सिर्फ तुझे क्यों आया ये तेरा क्या लगता है कहीं तू उसकी रखेल तो नहीं Thank you.
इसे ले जाके इसके घर पे फेंक दो। जी सर। अकल आ जाएगी, जिंदगी में कभी बिहारी बाबू से नहीं टकराएगा। क्या हुआ मालकिन, आप चौंके क्यों उठ गई? कुछ नहीं, नींद में मुझे लगा किसी ने माँ कह के पुकारा। अरे हाँ, आज शनिवार है ना, लड्डू लेकर मुझे ट्रेनिंग स्कूल जाना है। पीछे मुड़, दाईं तरफ देख। फ्रेंड्स, वो लेडी पुलिस का ग्रुप आ रहा है, अपने अपने मास्क पहन लो। ओके बॉस। एक पप्पी दे दे जाने मन। ए, हमसे पंगा मत लो। पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं। बस नहीं, क्या तुम मिलोगे? पुलिस ट्रेनिंग है तो क्या हुआ, मिलिट्री ट्रेनिंग है तो क्या हुआ, लेडीज है ना, चबा डालेंगे, हजम कर डालेंगे। तुम ये सब जो कर रहे हो गलत है। क्या गलत है, क्या सही है, अभी दिखाता हूँ। मैं भी दिखाऊंगी। दिखाओ, दिखाओ। अरे रुक क्यों गई, दिखाओ। मेरा रेप मत करो। क्या रेप, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, मैं रेप करूंगा, मैं रेप करूंगा। तुझे रेप की बात बताने की क्या जरूरत थी, बता। Yeah, it's me. Be careful. Oh my God, what is this indiscipline? Oh my God, ये कैसे डांस है? हाथों ना। जॉन माइकल, हम दोनों में ऐसे होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था। एनी प्रॉब्लम? ओह नो प्रॉब्लम, सो हैप्पी। विक्रम, आखिर इस तरह कब तक? इस तरह बार बार उठ के गिरने का डांस मैं नहीं कर सकता। एक काम करते, सड़क सूखने तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। गुरुजी, हमने सुना है कि आपके नटराज नृत्यालय में आचार्य की जगह खाली है, यदि वो जगह हमें दे दें तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वो इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता है। वो तुम हो या नहीं, इसकी मुझे परीक्षा लेनी होगी, यदि नहीं तो जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस जाना होगा। आप निकालेंगे भी तो हम नहीं जाएंगे। वैसे आप कितने नृत्य जानते हैं, पहले ये तो बताइए। ये बुद्धू कौन है? बैल के गले में घंटा हो, सक क्षमा करके आप मेरी परीक्षा लेना प्रारंभ कीजिए। ठीक है शिष्यामणि। जी गुरुजी। जरा सुर से ताल मिलाना। जी भोले। अच्छा। शंकर, गुरुजी के सुरों को तनिक ताल देना। पहले ओडिसी। दिन ता दिन तक दिन ता दिन तक काम तक 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 आप दिखाओ कथकली। अब अंत में कथक। आहा, नाट्य कला में बहुत ऊपर पहुंच गए हो, अब उतरो बेटा। वाह 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 वाह, अद्भुत, अति सुंदर, तुम्हारी नौकरी पक्की। देखो बेटा, तुम पर भरोसा करके इस नाट्यालय को तुम्हें सौंप रहा हूँ। याद रखना, लड़कियाँ सब जवान है, समझ गए? संभल के रहना। ये ले बुद्धू।
अरे ये क्या है मित्रवर, सोचा लगे हाथ को एडवांस दे देंगे, परंतु ये तो हाथ में चुन थमा के चले गए सोने के लिए, अब इसका क्या करें। अच्छी अच्छी मास्टर जी, हमारे घर के ऊपर का पोर्शन खाली है, हम नीचे रहते हैं, आप चाहें तो ऊपर आ सकते हैं। That too if you don't mind जी। Why should I mind जी? You are so kind जी। वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। नागबाला is my name जी। नागपंचमी के दिन जन्म हुआ था ना, इसलिए ये नाम रखा गया। That's why I love नाग so much। Too much? मुझे नाग से बहुत डर लगता है जी। सुनो, किसको सांप पसंद है और क्यों पसंद है और सांप को क्या क्या पसंद है, ये सारी बातें जब हम तुम्हारे घर रहने आएंगे ना तब विस्तार से बैठ के करेंगे। अब तुम्हारा घर कहाँ है ये बताओ। क्यों नहीं जी, विलायती बस्ती के झगड़ालू मोहल्ले में झाड़ू वाली गली के नुक्कड़ से सीधे राम प्यारे जी के घर आकर आज ही अपना पोर्शन ले लीजिएगा। कुमारी नागबाला ने जो घर बताया था क्या वो यही है? मेरा मन पुकार पुकार के कह रहा है कि यही घर है, अंदर चलो, जो भी हो अंदर जाने से पता चल ही जाएगा, चलो हटो। अरे घर में कोई है? कोई है? अरे वहाँ पे क्यों खड़ा, अंदर आओ ना, इसमें बुराई क्या है? अरे बाबा, नहीं के मेरे वस्त्र को छू लिया। अरे अरे पापा, बदमाश। अरे बाप रे, चले हो लोग घर में कदम रखने के आज सारा सत्यानाश कर दिया। कौन है तुम लोग? अरे मेरे बड़े, अरे मैं आपके बड़े पे कब गिरा जी? एक तो खराब कर दिया, ऊपर से झूठ बोलता है बदमाश। अभी दिखाती हूँ। क्या? अरे बाप रे, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगी। दादी माँ, दादी माँ जरा रुकिए, जानते हैं कौन है ये लोग? कौन है? आई टोल्ड अबाउट दिस पीपल। मेरी मति मारी गई। बेटी नागबाला, मास्टर जी को ऊपर ले जाकर सब दिखा देना। चलो चलो। ए, तू कहाँ जा रहा है? मैं भी देखूंगा। तुम जाओ बेटे, सब दिखा देना। बेटी सीधी तरफ, मेरे वस्त्र धोकर, आटा बाल्टी में भर के, मटकों में पानी भर के, तब जाना। पोर्शन तो बहुत बढ़िया है, वैसे इसका किराया क्या है? कोई जरूरत नहीं जी। ऐसा क्यों? रोज एक घंटे मेरी प्राइवेट डांस क्लास ले लीजिए, उतना ही काफी। ठीक है जी। और फिर I want to tell you something जी। Tell me anything जी। आप ये कुर्ता उतार के एक अच्छी सी पैंट और टी-शर्ट पहनेंगे ना, तो बिल्कुल हीरो दिखेंगे जी। सीएम साहब, आपके हुकूमत में चारों ओर खुशहाली है, सारी जनता बहुत ही खुश है और आपके गुण गाती है। दोस्त का नकाब पहने दुश्मन के होते हुए जनता के प्रति आपका हर फैसला सही है। पीठ पीछे कोई पिस्तौल का निशाना ना लगाए, पहले वो देख लीजिए मुख्यमंत्री जी। सामने से गोली मारने वाले से एमएलए को खरीद कर सत्ता को छीनने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। जो कुर्सी पर बैठता है उसे चारों ओर रामराज ही दिखाई देता है, और जिसके पास कुर्सी नहीं है वो रावण बन जाता है। सीएम साहब, ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे तो आप अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे? हाँ मैं चला। अरे चलना मिस्टर आई जी, इस पर जरा नजर रखना। यस सर। पोपटलाल साहब जी, वोटों को ठोकर मार के नोटों से इन 40 एमएलए को इसलिए खरीद रहा हूँ कि तुम कुर्सी हासिल करने के बाद हमारा सपोर्ट करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जिंदगी पान बरा का डिब्बा बन जाएगी। आपके पावर के बारे में क्या मैंने जानता राजन बाबू, उस कार्यक्रम की पहली बोली में ये लोग, दूसरी बोली में एक और बैच खरीद देंगे हम, तब बहुमत हमारा। असेंबली में जैसे ही हाथ उठेंगे तो सीएम कुर्सी के नीचे, मेरा सहयोग कीजिए ना राजन बाबू। उस्ताद कितने लीटर भरे? क्यों पहली बार भर रहा है क्या? 5000 भर दे। मैं आ गई, मंदिर होके आ गई, पूजा करके आ गई, भगवान से मन की बात कह दी, भगवान ने ओके। अब क्या है? टुकड़ा, नारियल का टुकड़ा, प्रसाद को कभी मना नहीं करते, ऐसे चिल्लाया भी नहीं करते। अरे रे, वो देखो, वो रहा पृथ्वी, उसी ने हमारे आदमी को मारा था। उसके बाजू में जो चिड़िया है वो उसकी गुड़िया है। अरे हाँ, उस दिन थानेदार ने उस लड़की के बारे में कुछ कहा, इसलिए इसने उसकी पिटाई की। तो फिर वो, अरे बाप रे। चलो चलो बैठो। सुनो कबूतर सिंह, अपना गुटर गुटर बंद करके पहले मेरा संदेश उस तक पहुँचा देना, ये तेरे लिए नहीं उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ से जाओ। हॉर्स पाइप को ठीक से लपेट के रख दे। क्यों मैं पृथ्वी, पुलिस की लाठी खाने के बाद खेत की मूली की तरह नरम पड़ गया क्या? अक्कल ठिकाने आ गई? घूरता क्यों है, इसका भी स्वाद चखाओ क्या? आ,
पंडित। हाँ जी। वो मुझे चाहिए। वो मुझे चाहिए कहने से गठिया के लाने के लिए वो कोई राम भरोसे होटल की पूरी भाजी नहीं है। हाँ मुझे वो चाहिए पंडित। देख भाई चोटी, उसके बाजू में जो चिड़िया थी उसे हम अपने पिंजरे में बंद करेंगे तो उसे बचाने के लिए वो हमारे अड्डे पर आ सकता है। सही फरमाया। ओए पृथ्वी भाई कहाँ है? ऊपर है। अरे बात क्या है? राजन बिहारी के गुंडे मार्केट से अपनी सीता को पकड़ के ले गए। पंडित कौन आया है? वो तो हमारी बस्ती की लड़की सीता कहाँ है? गुड, वेरी गुड। जितना अंदाजा लगाया उससे भी ज्यादा हिम्मत पर है तू। मुझसे हाथ मिला। दादागिरी और गुंडागर्दी से लोगों को डरा के उससे गुजारा करने वाले तुझ जैसे कुत्तों से हाथ मिलाना मेरी शान के खिलाफ। सुनो, अगर हाथ नहीं मिलाया तो अंजाम क्या होगा जानते हो? माना कबूतर को तूने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, लेकिन अफसोस वो भी इस लड़की को मुझसे बचा नहीं सकता। जब मुझसे तू हाथ मिलाएगा तभी हम इसे छोड़ेंगे पृथ्वी। एक बार उधर भी देख ले, शायद वो तेरा भाई है। भैया, भैया, हाय। सीता को शराफत से मेरे साथ भेजेगा तो ही तेरा भाई तुझे मिलेगा, वरना वहीं जल समाधि। सुनो राजन बेटे, फौरन उस छोकरी को छोड़ देना बेहतर है। वहाँ छोटे बिहारी की हालत देखकर लगता है पानी पिए बिना ही जल समाधि बन जाएगी उनकी। नो थिंकिंग बाबू, जल्दी करो। हे, तुम लोग धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर मैंने भी ऐसा किया तो हर पल एक एक गुंडे के सर को फुटबॉल बना के खेल सकता हूँ। मुझे उकसाकर भूल से भी अपनी मौत को दावत मत देना। अभी उसे जो वार नहीं किया। ए, क्या देख रहा है? ये कौन है? यही ना, दुबई में रहते हुए यहाँ का कानून को अपनी मुट्ठी में रखकर पूरे देश को थर थर हिलाने वाले शंभू बिहारी साहब हैं। असल में वही हमारे बॉस हैं। ऐसे महारथी हमारे पीछे हैं, हमसे पंगा ना लेकर हाथ मिला ले। तेरे दुबई वाले इस बॉस को इंडिया बुलाकर फुर्सत से मिलूंगा और इस तस्वीर पर हार पहनाऊंगा। आज तक मेरी जिंदगी बिना कोई मंजिल बिना कोई मकसद के भटक रही थी, पर आज मेरी जिंदगी को एक मंजिल और एक मकसद मिल गया है। माँ, तुम्हें और पिताजी को मुझसे दूर करके मुझे अनाथ बनाने वाले उस हैवान का मुझे पता चल गया है। माँ, हाँ सीता, खुशियों भरी हमारी जिंदगी को तबाह करने वाले उस शंभू बिहारी को किसी भी तरह यहाँ लाना होगा, फिर शहर में दहशत फैलाने वाले उस राजन बिहारी के ऊपर हमला करने के बहाने उसके बाप को बुलाना होगा, तभी इस खूनी खेल का मैं अंत कर पाऊंगा। तेरे साथ हम सारे बस्ती वाले रहेंगे। हाँ भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा साथ देंगे। हाँ भैया। हाँ
बेटा, राजन बिहारी के आदमियों से मेरे पोते को बचाया, सदा सुखी रहो। बहुत खुशी हुई बेटे, बिहारी के गुंडों को तुमने सबक सिखा दिया। मंदिर से दुकान उठाकर मैं यहाँ आ गई, आज से मेरी दुकान यहीं पर खुलेगी, इसलिए बज गई घंटी। किस लिए? आज तक सब लोग उस मंदिर में जाते थे, फूल और फल भगवान को चढ़ाते थे और उस भगवान के सामने मन की मुराद रखते थे। अब गरीबों के भगवान इस बस्ती में रहते हैं और अपना दुख दर्द इस भगवान को सुनाते हैं। मैं तो उसे कब से भगवान मानने लगी थी, न जाने उसकी नज़र मुझ पर कब पड़ेगी। वो क्या है? फूल, गेंदे का फूल। मना नहीं करते, अच्छे बच्चे माँ के चरणों में फूल रखते। सुन कबूतर सिंह, इस दुखियारी सीता की बात उस पृथ्वी को जाके सुना। जा राजा। अब ये क्या बोल रहे हो पंडित, मुझे ब्लैंक चेक दोगे? चेक नहीं चाहिए तो एकदम कैश ले लो भाई। देखो, पॉलिटिक्स में कौन कितने दिन पदवी में रहेगा कोई नहीं जानता, इसलिए अपने जिद्दी सीएम पर भरोसा करके पपटलाल और उसके ग्रुप के एमएलए को छोड़कर मुश्किल में पड़ने के बजाय घर आने वाली लक्ष्मी को लेकर खुश हो जाओ। मैं अपने फर्ज को ही भगवान मानता हूँ पंडित, और उसके रास्ते में तुम तो क्या भगवान भी आए तो मैं नहीं सुनूंगा। अजी शर्मा का कोई बेटा या बेटी? शहर में दो छोटे छोटे पोता पोती हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। फौरन दोनों बच्चों को उठवा लो, तभी अजी का बच्चा बाज आएगा। पिंकी ये लो। थैंक यू अंकल। तुम्हारे लिए। हम चलते हैं अंकल। अब जाओ। क्यों माय डियर हीरो, ये तुम्हें अंकल बोल रहे हैं? कौन है ये बच्चे? जिन्हें मैं अपना गॉड फादर मानता हूँ आईजी शर्मा जी के, ये दोनों पोता पोती हैं। हेलो, जल्दी करो। माय गॉड, बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया। रानी कम ऑन, चलो। Where are they? Wow. थैंक यू विक्रम, अपने बेटे और बहू को खो देने के बाद ये दोनों बच्चे ही मेरी जिंदगी का सहारा है। इन्हें बचाकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, पता नहीं इस जन्म में मैं तुम्हारा। सर मैंने ऐसा। ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं छोटे बच्चे को लेकर दर्दर की ठोकर खा रही थी, तब आप और भाभी ने अमानाथों को सहारा दिया, इसे पढ़ा लिखा कर आपने पुलिस में भर्ती कराया, ऐसे में आप इसके एहसान की बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, मुझे आपने पढ़ाया लिखाया, लोगों की हिफाजत करने के लिए पुलिस में भर्ती भी करवाया, मैं आपके कुछ काम आ सका ये मेरी खुशनसीबी है। सर बच्चों को बचाने में इन्होंने भी काफी मदद की है, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया इसलिए मुझे नोच रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखो बेटी, लड़की होकर भी तुमने हमारे विक्रम के साथ मिलकर बड़ा साहस किया है, ये सुन के बहुत खुशी हुई। बहन लक्ष्मी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हें अपने लिए बाहर बहू ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आना हुआ? आपने मुझसे नृत्य सिखाएंगे कहा था ना,
आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ बाले, आज एकादशी शुक्रवार है, शुभ दिन है, श्री गणेश करेंगे। क्यों रे जंगली बिल्ले, म्याऊं। पेट भर के खा लिया, कपड़े क्यों नहीं धोए? धोता हूँ दादी माँ, नहीं तो तुम मुझे छोड़ोगी क्या? अच्छा दादी माँ, एक बात बताओ, इस तरह आंखें मुंड कर चलने की दुसाहस क्यों करती हो? ये सब तू क्या जाने धतूरे? कौन सा तुरा? धतूरा? क्वार के महीने में इस तरह आंखें मुंद के शिव नाम जपने से सीधे कैलाश की प्राप्ति होगी। अच्छा, ऐसे ही आंखें मुंद के चलते चलते चार कदम और आगे बढ़ोगी तो अभी से कैलाश प्राप्ति हो जाएगी। हाँ। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, बंदूक लाके गोली से उड़ा दो। अरे नहीं, मेरी तो फट जाएगी। तो धो। धो रहा हूँ। ठीक से फटाफट। जम जम तक जम 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 तक जम तक जम तक जम तक 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 जम तक जम तक जम तक 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 जम तक जम तक जम तक 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 जम कुंदा तक कुंदा कुंदा तक कुंदा कुंदा तक कुंदा कुंदर 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 कुंदर। पता नहीं क्यों बोले, ये केले के छिक्कलों का प्रयोग सफल होगा मुझे नहीं लग रहा है। अवश्य सफल होगा, मंदिर से लौटने वाली बुढ़िया आंखें मूंद कर शिशु संभोग करते हुए घर के अंदर कदम रखेगी, फिर किसी न किसी छिलके पर पांव रखने से फिसल कर दूर पत्थर से जा टकराएगी और उसका सर नारियल की तरह फट जाएगा। और नहीं तो क्या, इस भोले शंकर को कितना सताती है पता? अब के बार महीने भर के लिए बिस्तर पकड़ लेगी और मैं चैन की नींद सोऊंगा। चुप जा दादी माँ आ गई, चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। हर हर महादेव, वो आ रही है, आ रही है। हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर, शिव शिव शंभो, हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो। बुड्ढी कहीं की कमाल है, एक बिछल के में पौने रखी, हंसनी की चाल चलती हुई चली गई। देख लिया बोले, भगवान सदा भक्त की रक्षा करता है। मास्टर जी, संभाल के संभाल के। अरे छोटी छोटी प्रेम की रोटी मन खिला दे, मिठो मिठो प्रेम का सागर मन पिला दे। अरे छोटी छोटी प्रेम की रोटी मन खिला दे, मिठो मिठो प्रेम का सागर मन पिला दे। ख्वाबों का घर होगा बस्ती में होगा, राजा मुन्ना अपनी गोद में होगा। करने मुझसे तू छोटी छोटी प्रेम की रोटी मन खिला दे, खिला दे। मिठो मिठो प्रेम का सागर मन पिला दे। है मुझको बेकाबू नजरों से, अरे तू मुझको बनाएगी पागल सनम। मुझ पे बिछाया तेरा जादू बरसों से, अरे कर दिया दिल तूने घायल सनम। रूप तेरा साथ चले, खाब तेरा रात ढले, दिल ये संभल के संभलता नहीं, तेरे प्यार की कसम ये जा लुटा देंगे तुझ पे हम।
बुस बुस छोटी छोटी प्रेम की रोटी मन खिला दे मिठो मिठो प्रेम का सागर मन पिला दे सजनी तू है मेरे दिल में बस तू ही होगी तू खुशियां मैं तुझको अपनी बांटूं तेरे जीवन में आ जाऊं दिल पे तेरे मैं छा जाऊं रहना दीवाने जरा होश में मुझको ना रोको मैं हूँ जोश में धीरे धीरे प्यार मुझे करते करना है रे लंबा सफर अबस अबस छोटी छोटी प्रेम की रोटी मन खिला दे मिठो मिठो प्रेम का सागर मन पिला दे ख्वाबों का घरौंदा बस्ती में होगा राजा मुना अपनी गोद में होगा अगर ले मुझसे तू मिलन सनम बुस बुस अरे वाह ये तो अच्छी तरह जुड़ गए यहाँ तुम्हारा मामला जुड़ गया और वहाँ बुढ़ी मेरे सर पड़ गई मेरी जान जा रही है पूरे घर का काम करना पड़ता है तलाक तक धमिताई ताई यहाँ क्यों आया है राजन बिहारी साहब ने भेजा है जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती वैसे एक शहर में दो धारा लोग नहीं रह सकते कहना क्या चाहता है दोनों में मुकाबला हो जाए ताकि जो जीतेगा वो सिकंदर के हराएगा इसलिए लाल चौक के पुराने गोदाम में तुम में दम है जाने के लिए कहा दम की बात मुझसे जरूर कोई साजिश है वहाँ जाने में खतरा है मेरी बात सुनो भैया अब मत जाओ ठीक है मैं आता हूँ उससे कहना वो तैयार रहे इसमें क्या है पंडित जी कह रहे थे आज अच्छा दिन है अच्छा मुहूर्त है इसलिए ये मुझे पहना दो किसी दीर्घायु वाले के हाथ से मंगलसूत्र पहनना छोड़कर किसी भी वक्त मौत के मुंह में जाने वाले के हाथों पहनोगी तो उतरने में देर नहीं लगेगी ऐसी अशुभ बातें मत करो आज तुम मुझे जी भर के देख लो हो सकता है तुम मुझे कल ना देख पाओ तुम मुझे ये पहनाओगे तो मुझे विश्वास है तुम सही सलामत लौट आओगे अगर मैं लौट आया तो जरूर पहनाऊंगा वो आने वाला है वेरी गुड आज फैसला हो ही जाएगा अबे पान पराग वो यहाँ हिम्मत से आ रहा है मतलब उसको अपनी जान प्यारी नहीं है उसे या हमें अंदर है जाओ पहले उसकी बाद में तुम दोनों की हम दोनों की चमड़ी उधेड़ूंगा इस शहर में हुकूमत तू करेगा या मैं अब फैसला हो ही जाएगा थोड़ी देर के बाद तू फैसला करने लायक नहीं रहेगा इस स्टेट का गुंडा भी मैं हूं और इस मुकाबले में जीतने वाला राजा भी मैं ही हूं ।
मैं कल की फ्लाइट में ही आ रहा हूँ। विक्रम, कल ही तुम इलाहाबाद रवाना हो जाओगे। वहां पर तुम्हारे क्राइम ब्रांच में प्रमोशन के साथ पोस्टिंग की गई है। ये रहे एड्रेस। मुझे इतना ऊंचा ओहदा देने के लिए थैंक यू सर। तुम्हें ये मौका देने का कारण क्या है जानते हो? इलाहाबाद सिटी में कुछ गुंडों का गिरोह दहशत फैलाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल से मुकाबला करने के काबिल अफसर तुम ही हो, ये मेरा विश्वास है। आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहते हुए मैं अपनी जान पर खेलकर भी इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओह, तुम हो। नो, हाथ नीचे मत करना। क्यों? उन्हीं हाथों से मुझे कस के हग करो। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे साथ मुझे भी इलाहाबाद पोस्टिंग हो गई है। इज इट? इस खुशी के मौके पर एक स्ट्रॉन्ग किस हो जाए। ड्यूटी पर ज्वाइन होने के बाद इलाहाबाद में किस दूंगा, तब तक वेट करो। इलाहाबाद। एक बार यूनिफॉर्म खोलना है। 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ding dong।
आजा आजा टिप टॉप रोजा ले जा दिल मेरा ले जा डे एंड नाइट तू कर ले लव पूजा रात हो तुझको मैं राइड कर लूंगा दिल को जो चाहिए बोल दे मस्त बन गूंगा कैसी बेशरम है ऐसे बोलती है मुझको तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी तुझको सब दूंगी तुझसे सब बोलूंगी कहते राजा जाने के तू है राजी हमको ना तोल तू बात ऐसी ना चुनौती वाली मुझसे बोल तू आजा आजा टिप टॉप रोजा ले जा दिल मेरा ले जा डे एंड नाइट तू कर ले लव पूजा तन बदन की मुझे दे दे यार क्या हंसती जगा ले नजरा लगा ले मुझको आजमा ले जान जानू रास्ता दिखा दू मंजिल बता दू दूरियां मिटा दू जान जानू यार तू मेरे जिस्म जाकर कर ले आसनम शिकार तू आजा आजा टिप टॉप रोजा ले जा दिल मेरा ले जा डे एंड नाइट तू कर ले लव पूजा आजा आजा घुड़ियों का राजा लेफ्ट एंड राइट बजा तू बाजा डे एंड नाइट तू कर ले लव पूजा टू ओ क्लॉक का मुझसे चुम्मा चुम्मी खेलना फोर ओ क्लॉक फाइव ओ क्लॉक सिक्स ओ क्लॉक डिंग डॉन भैया शंभू बिहारी अपने बेटे से मिलने आज विदेश से आ रहे हैं आज शाम को होटल सरोवर में पार्टी दे रहे हैं इस रंगीन शाम के वक्त चारों ओर खुशी फैलाते हुए हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं देश विदेश में घूमकर अपने बिजनेस को दुनिया के हर कोने में फैलाने के बाद शंभू बिहारी साहब के स्वदेश लौटने के शुभ अवसर पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं तालियां और जोर से चलो आगे बढ़ो डैडी ये यहाँ के लोकल एमएलए मिस्टर पोपटलाल हैं नमस्ते बिहारी बाबू लेकिन ये सब कौन है पोपटलाल के पीछे घूमने वाले 40 एमएलए हैं ये सब ये अली बाबा और वो 40 चोर डैडी हम जो कहेंगे वही करेंगे बैठ जाओ और जाओ बैठ जाओ इंडिया के एमएलए लोग वाकई तरक्की कर गए हैं जो भी करने के लिए कहा जाए वो ठीक से कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है बिहारी बाबूजी जो असेंबली में रोज करते आ रहे वही मैंने आज आपके सामने करवाया डरे इनके सियासती और हमारी दादागिरी अब हम पूरे देश के मुट्ठी में कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड वो कलेक्टर कमलाकर है ना हेलो बिहारी साहब वेलकम टू इंडिया आप लगता है हमारी पुरानी जान पहचान को आप भूल गए सॉरी याद नहीं आ रहा है याद दिलाइए ठीक 25 साल पहले
25 साल पहले काली घाटी के जंगलों में जब तुम ठेकेदारी करते थे, ठेकेदारी करता था तो जंगल की तमाम शीशम और चंदन की लकड़ियों को तुम अपने बाप का माल समझकर बेचा करते थे। तब वैश्य बनकर खतरनाक ढंग से तुम्हारी काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाले एक आदमी का बेरहमी से तूने खून करके उसकी लाश पर रोने वाली उसकी लाचार पत्नी पर जुल्म ढाए, और जब उस नजारे को देखकर अपना आपा खोके उसके बेटे ने तुम पर हमला करके तुम्हारा कान काटा तो धर्म सलाख से तुमने उस मासूम का सीना जलाया था। कुछ याद आया? वो जख्म अभी तक भरा नहीं। एक पिता की जान लेकर एक माँ को मरने के लिए छोड़कर एक मासूम की जिंदगी में जो तूने आग लगाई थी वो आग आज भी चल रही है और तेरी प्रतीक्षा कर रही है। यानी तुम उसका इंतकाम लेने के लिए तेरे बेटे को बुरी तरह टॉर्चर करके तुझे विदेश से बुलाने पर मजबूर करने वाला पृथ्वी मैं ही हूँ। इंतकाम लेने के लिए पहले तुम यहाँ से बचकर बाहर जाओ, तब ना। तू और तेरे आदमी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बगला कहीं का, तेरा यहाँ आना लोहे के पिंजरे में बंद होने के बराबर है। तेरे लोहे के पिंजरे को तोड़कर तेरी हड्डियों का कचूमर बनाकर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। खबरदार। रुक क्यों गया? मार, मारना। तू मार नहीं सकता क्योंकि मुझे मारते ही तू भी मर जाएगा। तेरी पहली गोली मुझे छुए उससे पहले ही मैं 6 की 6 गोली तेरे बदन में घसीड़ दूंगा। मैं मौत को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ, लेकिन तू धन दौलत के मोह में मौत से डरकर अपनी जान को मुट्ठी में लिए घूमने वाला एक जंगली कुत्ता है। घबरा मत, तुझे अभी नहीं मारूंगा। इतनी आसानी से तुझे चैन की मौत मैं नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी जहन्नम बनाऊंगा। जिंदा होकर भी तुझे पल पल मरना होगा। तुम उससे गिड़गिड़ा कर अपनी मौत की भीख मांगेगा। आग और पानी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच एक जिंदा लाश बनकर तड़प तड़प कर तुझे कीड़े की तरह मरना होगा। इसी वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल, मैं तेरा मेहमान हूँ ना। मेहमान को गाड़ी तक छोड़ना ही अच्छी मेजबानी कहलाती है। अब अपनी बत्तीसी दिखा। सर, मेहमान नवाजी। और तू? अरे ये क्या, दोनों जाने दुश्मन की तरह एक दूसरे की जान लेंगे सोचा, लेकिन जिगरी दोस्त की तरह हाथ मिलाकर आ रहे। कहीं ये दोनों एक होके नई पार्टी तो शुरू नहीं की? बकवास बंद करो, बेवकूफ की तरह बातें मत करो। मेरे डैडी तुम्हारी तरह कोई घोचू नहीं है, समझ गए? जिगरी दोस्त का नाटक करके हंसते हंसते डैडी उसका जिगर निकाल लेंगे। मेहमान हूं ना। थैंक यू। यस सर, आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कबूल कर इस शहर में जितने गुंडे हैं दादा हैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। भगवान, नृत्य कला सिखाने के लिए शहर में आके मैं नागबाला से प्रेम कला सीख रहा हूँ। कृपा करके इस कहानी का अंत शुभ शुभ करना। सच बताओ, क्या तुमने सचमुच कन्हैया लाल के खानदान का सर्वनाश किया? माँ बेटे को जिंदा जला दिया था ना सर। तो सब लोग मर गए? सब लोग मर गए सर। मरे नहीं, इसलिए अब तुम मर रहे हो। अबे अब पान पराग, हमारे राम सिंह को मार दिया।
उसकी बॉडी यहाँ है, आत्मा पता नहीं कहाँ है, ये सब क्या हो रहा है? वो फर्श खराब मत कर, ये मुंह की गटर है। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ पंडित? इतना भी बोलूं कमबख्त मान नहीं रहा। अच्छा, नो पार्किंग में गाड़ी पार्क किया है, जल्दी हटाइए साहब। ये शंभू बिहारी साहब की गाड़ी जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन हमारे नई ऑफिसर बहुत पावरफुल है सर। अरे पावरफुल होगा मेरा पान भरा का डिब्बा। वो देखिए आ गई हमारी नई ऑफिसर। ए मिस्टर, गाड़ी यहाँ क्यों पार्क किया? नो पार्किंग बोले, देखा नहीं क्या? देख कर ही पार्क किया। पावरफुल ऑफिसर सुनकर लगा कि तलवार लेकर कोई आदमी आएगा, लेकिन ये तो पान भरा का डिब्बा निकली। शट अप। ए मिस्टर, शराफत से गाड़ी यहाँ से निकालते हुए नहीं। कार निकालो, साथ चलोगी तो कार डोर खोल सकता हूँ, गाड़ी में बैठोगी तो तुम्हारे बदन से कपड़े निकाल सकता हूँ। शट अप। साहब जी, लगता है उस चेहरे को कहीं देखा है। लाठी के साथ खेल रहे हो, लगता है लाठी का पावर तुम नहीं जानते। शराफत से गाड़ी यहाँ से निकालते हो या लाठी का पावर दिखाना पड़ेगा? कमान। ए मिस्टर, किससे बात कर रहे हो जानते हो? जानता हूँ, शंभू बिहारी के नाम से जाना जाने वाला गुंडा है तू, और राजन बिहारी के नाम से जाना जाने वाला थर्ड क्लास गुंडा है तेरा बेटा। कमान। कैसी बदबूदार जगह है। ठीक ठीक, जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले कुत्तों को वैन में चढ़ा के ले जाते हैं, वैसे आप दोनों को आप ही की गाड़ी में बिठा के क्रेन से उठाकर घसीटते हुए ले गया वो एचपी। और उस दिन हमारी पार्टी में आके हम सबके सामने पीठ पर पिस्तौल रखकर पालतू कुत्ते की तरह आपको घसीटते हुए ले गया वो पृथ्वी। साहब जी, जब आप ही कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं तो हम लोगों को। पंडित, सोच समझ के बोलो कि क्या बोल रहे हो। आखिर पृथ्वी और एसपी हम शक्ल कैसे हुए? कई फिल्मों में पुलिस वाले पहले चोर का किरदार निभाकर सभी राज जानने के बाद शुभम कार्ड से पहले मैं हूँ असली पुलिस ऑफिसर, यू आर अंडर अरेस्ट बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये दोनों एक तो नहीं है। डैडी, मानता हूँ मैं आपका सेकंड हैंड बेटा हूँ, फिर भी आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सुन लो। वो एसपी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और पृथ्वी आज देवी माँ के मंदिर में शादी कर रहा है। शिट। क्या आज उसकी शादी है? नहीं होनी चाहिए। आज उसकी शादी का दिन नहीं, मौत का दिन होगा। आंटी, विक्रम है? अंदर है, मिल लो। आप मंदिर जा रही हैं? हाँ बेटी, अपने बेटी की सलामती के लिए हर हफ्ते मैं मंदिर में अर्चना करवाती हूँ। मेरे भैया का सिर फट गया। तुम्हारे डैडी का दिल जल गया है। भैया को शारीरिक पीड़ा है। तुम्हारे डैडी को मानसिक पीड़ा है।
इसलिए डॉक्टर श्रीवास्तव भैया को दवा दे रहे हैं। इसीलिए वो गुंडा कालिया तुम्हारे डैडी को दारू पिला रहा है। इतने लोगों को तकलीफ देने वाले उस पृथ्वी की अब क्या हालत हो रही होगी। होना क्या, बिना किसी तकलीफ की शादी हो गई। दोनों सुहागरात में तोते मैने की तरह चोंच लड़ा रहे होंगे। सुहागरात तोता। ग्लैड टू मीट यू मिस्टर विक्रम। तुम्हारी सिंसियरिटी और काबिलियत के बारे में अभी अभी आईजी साहब मुझे कह रहे थे। थैंक यू सर। शहर में दहशत फैलाने वाले कुछ गुंडे मवालियों को मिटाने के लिए यहाँ पर आपकी पोस्टिंग की गई है। मैं जानता हूँ सर, आजकल गुंडे नेताओं के नकाब पहनकर हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सिर्फ आपकी पदवी नहीं, आपकी जान पर भी हमला करने की साजिश हो रही है, ऐसा मुझे शक है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है मिस्टर विक्रम। मैं जो कुछ भी करूंगा प्रजा के हित में ही करूंगा। प्रजा की भलाई के लिए जीने वाले चंद नेताओं में से आप भी एक हैं सर, और आप जैसे नेता की जान बचाना मेरा फर्ज है सर। बारिश हुई, भूमाता का दिल ठंडा हो गया, आकाश में बादल छटने लगे, मेरा दिल गर्म होने लगा। अरे रे बेटी, चेयर की चेयर। कौन है ये? पृथ्वी। हमारे घर की पार्टी में आके ना सिर्फ मेरे डैडी को धमकाया बल्कि मुझ जैसे मासूम बच्चे के ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे हो। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर कीचड़, अब ये कौन है? इंस्पेक्टर विक्रम। उधर जाने वाले पृथ्वी ने कीचड़ उछाला, इधर जाने वाले तुमने भी कीचड़ उछाल के ये दोनों एक ही आदमी का काम है, ऐसा मैं समझूंगा। सोच रहे हो विक्रम, ऐसा मैं नहीं समझूंगा। गॉड। तुम कौन हो भाई साहब? नटराज नित्यालय का मैं डांस मास्टर हूँ। वो क्या है ना कि साइकिल के ब्रेक कुछ पकड़ में नहीं आ रहे, इसलिए हाथ से टकरा के हमसे गलती हो गई। पूरा मत मानना, जल्दी चल। ऑलरेडी एक जैसे दो हैं, अब ये तीसरा कौन है? वो एसपी विक्रम एक तरफ से तंबू चढ़ा रहा है, ये पृथ्वी दूसरी तरफ से धुलाई कर रहा है। दोनों मिलकर ढोल बजा रहे हैं दोनों तरफ से। अरे पागल पान पराग पंडित, ढोल बजाने वाले सिर्फ दो ही नहीं है, झुकोगे तो सामने से साइकिल ठोक कर गिराने वाला एक तीसरा भी है। अबे ओए, उन लोगों ने पीछे से कीचड़ उछाला तो तुम सामने से अलग डिजाइन में पान पर आग थूक रहे बेवकूफ। ओके ओके, इट्स ओके डैडी, मैं तुम्हारा सेकंड हैंड बेटा हूँ, फिर भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन एक देता हूँ। पृथ्वी और विक्रम ही नहीं, उन दोनों का हम शक्ल कोई तीसरा राम प्रसाद भी है, वो तकदी भी धोम डांस मास्टर है। उन दोनों का हम शक्ल कोई तीसरा भी है? है। ऐसा है तो वो मुझे चाहिए। पागल भैया। उन दोनों ने ही तुम्हारा इस कदर बाजा बजा लिया है कि अब ये तीसरे की क्या जरूरत है। ओहो, उन दोनों का हम कुछ नहीं कर सके इसलिए इसकी पिटाई करके तसल्ली पाना चाहते हो? नहीं, वो अगर हमारे हाथ लगा तो शर्मा को खत्म कर सकते हैं, पृथ्वी को जेल भेज सकते हैं। जय नागराज। बाप रे, सुनो भोले शंकर, मुझे बुस बुस करके डरा हूँ मत, मैं सांपों से डरता हूँ तू जानता है ना। ये तो नाग बाला ने इस मंदिर में मन्नत मानी थी, इसीलिए आया हूँ, वरना। ए, कोई नाग बाला को ले जा रहा है, जल्दी आ। ए, कौन है तू, नारी पे वीरता दिखा रहा है? तू कौन है? मैं बोंदू बोंदू नहीं हूँ जानते, मेरा नाम शिव प्रसाद शास्त्री है, नृत्याचार्य। अरे भोले शंकर, क्यों नाम सहायता के लिए किसी को बुलाएं? क्यों किसी को बुलाएं? तुम जाके मारो। बाप रे, मैं नृत्य कला में नहीं पढ़ूं, मारपीट कला में नहीं। मारपीट कोई अलग से नहीं होती है, नृत्य को ही रुद्र भाव में करो तो वही मारपीट हो जाती है। जाओ अपने हस्त को ही तलवार बनाओ और तांडव करते हुए कूद पड़ो। सच कह रहे हो? हाँ तो ठीक है, ताल ठोको। कैसा लगा? चक्कर आ रहा होगा? बोले और भी आ रहे हैं। ताल ठोक। अरे बोले,
ताल। क्या ताल? ताल ताल किस लिए बे? ताल कर बोले बेकार में ये तुम्हें छेड़ रहा था। मास्टर जी फाइट डन सुपर। अब कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी की तो सर फोड़ दूंगा, क्या समझता है मुझे? सुन गंजे, घर जाके गर्म कपड़े से सेक लेना, दर्द कम हो जाएगा। हाँ। सुनो, जाने के लिए कहा तो जाओ। अरे जाओ जाओ। अरे सुनना ओ गंजे भाई। ओए अरे बाप रे गुरु, लगता है तो गया। क्यों रे अशुभ बातें बोल रहा है? ए गंजे उठना। अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया गुरु? ये बात अगर पुलिस को पता चल गई तो क्या होगा मालूम है? गुरु को जेल हो जाएगी। सुनो अब हम क्या करेंगे? हे भोले शंकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें यार? कोई देखे इससे पहले इसे दंगा देते हैं। देवता अरे कोई देख ना ले, जल्दी से दफना के चलो। नमस्कार जी, हमें क्यों बुलाया गया है बता देंगे तो? जल्दी बता दीजिए जी, दिल में धुक 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 हो रहा है जी। पंडित साहब जी, हमने इन्हें क्यों बुलाया है जरा बताओ। भैया तुमने अपना नाम क्या बताया? शिव प्रसाद जी। इन तस्वीरों को जोड़कर एक अनोखी कहानी बना सकते हैं। इन सारे फोटो को हम सीधे पुलिस के हवाले किया तो मारने वालों को फांसी और साथ देने वालों को उम्र कैद। नहीं जी ऐसा मत कीजिए जी, हमसे अनजाने में हो गया, हमने जानबूझकर नहीं किया है ना भोले। सुनिए जी, अगर ये तस्वीर हमें दे दे तो हम फाड़ देंगे। इन्हें फाड़ना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। जी बोलिए। पहले तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। भेष बदलना होगा जी? अच्छा आओ भाई, बिरजू महाराज की छड़ी औलाद, शर्माओ मत, आ जाओ वहां देखो। शाबाश। अरे कहाँ चला गया ये भोले शंकर? उनके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा है। मेरा भी धक धक हो रहा है। अरे फिकर मत कर, दो मिनट में काम हो जाएगा। मैं हूँ। अरे खड़ा हो ना, पांच मिनट में काम हो जाएगा, खड़े रहो। तिलक जी। तिलक नहीं होना चाहिए। नाउ परफेक्ट। परफेक्ट तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा अभी तक बताया नहीं। आज अप्रैल पहली तारीख है, मेरे किसी दोस्त को तुम्हें फूल करना होगा। पकड़ लो, ये खाली पिस्तौल है, पकड़ लो। इस खाली पिस्तौल से उनको गोली मारने जैसा एक्टिंग करना है। अगर वो मर गया तो? अरे कोई नहीं मरेगा यार, कहा ना उसमें गोली नहीं है, सोचना क्या है। चलो आ जाओ, नीचे उतरो। कहाँ ले जा रहे हो भैया? उधर देखो, जिस आदमी को मारने की एक्टिंग तुम्हें करनी है वो आदमी इधर ही आ रहा है। चलो
ध्यान से कर रहा हूँ वो है। ओहो, वो अचानक ऐसे गिर क्यों गए? कहीं राम नाम सत्य तो नहीं हो गया? अरे ना राम ना किशन, तो मैं जाके देख कर आपको। चलना हम देख लेंगे ना बाद में। चल 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 अंदर बैठ। अरे जल्दी करो। क्या आईजी को जान से मार दिया? क्या कहा? आईजी शर्मा की हत्या हो गई? आईजी शर्मा को मार दिया? मुझ लावारिस को बेटा बनाकर प्यार से पाला पोसा, इतने भले आदमी को बेरहमी से मारकर मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। वो चाहे कोई भी हो, फांसी पर चढ़ा के रहूंगा। अब तुम इस सांप को ले जाके ऊपर डांस मास्टर के कमरे में डाल दो। आईजी शर्मा को पृथ्वी ने मारा है इसे साबित करने वाले तस्वीरों को मैं एसपी विक्रम को भेजता हूँ। इससे विक्रम के हाथों पृथ्वी फिनिश और सांप के डसने से डांस मास्टर फिनिश। वंडरफुल। क्या इस सांप को बिहार से लाए हो क्या पोगा पंडित? बिहार में सांप नहीं मिलते हैं, बम मिलते हैं। क्या ये क्या बाल है? मेरी नाभि पर खड़ी होकर नृत्य कर रही हो? तुम आजकल काफी शरारती हो गई हो। ये क्या बुशी बुशी कर रही हो? अगर दादी माँ ने देख लिया तो कोबे को मारने जैसे गोली मार देंगी। जल्दी करो दादी माँ, मुझे नृत्यालय जाना है। ये क्या मेरे पास होकर आवाज दूर से आ रही है? सब सब बोले शंकर, नागबाला मुझे बचाओ, नागबाला, नाग देवता मुझे बचाओ, नागराज अपने नागराज नागराज अपने नाग देवता नागराज नागेंद्र पनिंद्र आदिशेष मैं धन्य हो गई। तुम इसकी पूजा करने में लगी हो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। नहीं जी, नाग देवता रूठ जाएंगे। आई विल कॉल दादी माँ। दादी माँ क्या है, क्या हुआ? नाग देवता हमारे घर पर आ रहे हैं। हमारे घर पर नागराज पधार रहे हैं। नागराज ऐसे ही रहना, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। बाला जल्दी से जाके नारियल फल फूल दूध सब ले आना। नागराज हाव भाव से लगता है कि मेरे पेट पर ही सांप को बिठाकर मंदिर बनाएंगे। क्या हुआ दादी माँ, क्या बात है? बदमाश। अच्छा तो भोले शंकर अपने हाथों से सांप को उठाकर मुझे बचा ले यार। मैं सांप का हाथ पकड़ूं? अरे बाप रे, ये मेरे बस की बात नहीं गुरु। जरा रुक जा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ गुरु। बिल्कुल फिक्र मत करो, घबराना मत गुरु। दिन रात दादी माँ का चूल्हा फूक फूक के मुझ में संगीत आ गया, मैं बाजा बजा सकता हूँ। जरा जोर से बजाना, पता नहीं सांप सुनता भी है या नहीं, नहीं तो मुझे डस लेगा। बंद मत कर यार, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, बजाता रहे। ओम नागराज जय नमः, जय हो नागेंद्र। ओम नागराज, जय हो नागराज। बेटा तू बड़ा भाग्यवान है, नागराज की महिमा तुझ पर है, इसलिए तुम्हारी शादी नागबाला से करवाऊंगी। शादी वाली बात है, पहले ये सांप। सांप तो चला गया। सांप चला गया? मेरा संगीत ही ऐसा है, जितना भी पावरफुल हो नहीं आएगा मेरे पास। हे नाग देवता, अब समझ में आया तुम यहाँ क्यों आ गए। मेरे गुरु और उसको होने वाली को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। धन्य हो महाप्रभु, ये लो मैं नारियल का प्रसाद चढ़ाता हूँ। जय नाग देवता। Let
मचलने दे जरा सा, तड़पने दे जरा सा, दीवाना इस दिल को तरसने दे जरा सा। इस दिल को तरसने दे जरा सा, रात भी तूफानी दिल भर जानी, आ प्यास बुझा जा, रहे प्यासी जवानी, आए आए मचलने दे जरा सा, ला 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 दीवाना इस दिल को। ये सब क्या है? ये आपने जो नेक काम किया उसके लिए। कौन सा काम? यानी यानी मैं बाप बनने वाला हूँ, तब तो इसमें तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। माय डियर एसपी विक्रम साहब, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की हैसियत से मैं कुछ तस्वीर लेने के लिए सुबह पार्क गया था। वहाँ हुई एक दर्दनाक घटना देखकर फौरन उसकी तस्वीर खींची। मेरी आंखों के सामने गुंडा पृथ्वी ने आईजी शर्मा को गोली मार दी। विक्रम, कुछ एंगल से देखने से ये पृथ्वी थोड़ा तुम्हारा हमशक्ल लग रहा है ना? दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं, लेकिन इस तरह का खूनी मेरा हमशक्ल निकलेगा, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। देवता समान शर्मा जी का बेरहमी से कत्ल करने वाले पृथ्वी को मैं नहीं छोड़ूंगा।
उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूंगा। अगर भागने की कोशिश की तो अपने हाथों से उसे गोली मार दूंगा। एकदम झूठ। मैं भला आईजी शर्मा जी का खून क्यों करूंगा? ये सब उस बिहारी के बच्चे की साजिश है। हाँ भैया। हाँ। कौन? पृथ्वी, कैसा रहा मेरा प्लान? एसपी विक्रम तुझे पकड़ने आ रहा है। भागने की कोशिश की तो वो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। खामोश। पुलिस वालों के हाथों मरने से पहले ही मैं तेरा और तेरे साम्राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। बी रेडी। सुनिए, देखिए, आप जो भी बताइए, मेरा रास्ता मत रोको। बात तो सुनिए। दरअसल तुम नहीं जानते हो। देखिए, सुनिए। सीता, देखिए सीता, सीता, बेटा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, ले जाओ बेटा, जल्दी से। पृथ्वी, stop there. विक्रम स्पीकिंग। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम? ओके, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। यस, इमीडिएटली। डॉक्टर, डोंट वरी, शी इज ऑल राइट। पृथ्वी, डोंट मूव। Oh.
देखिए बहन जी, वो बुलेट से घायल हुए हैं, पुलिस को इत्तला करनी होगी। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है डॉक्टर, काफी खून बह चुका है, उसे खून देना होगा। उसके अलावा वो मेरा बेटा है, उसे मेरा खून दे दीजिए। अच्छा तो आप मेरे साथ आइए। कमजोर हो गई है, ऊपर के रूम में शिफ्ट कीजिए। ओके डॉक्टर। सर आपके लिए मैसेज है सर, पृथ्वी हॉस्पिटल में कह रहे हैं। यस, क्या पृथ्वी? जी हाँ सर। वो कहाँ है? जी के हॉस्पिटल गांधीनगर में। ओके कम ऑन मूव। हर एक रूम चेक करो, गो अहेड। ओके सर। ओह आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यहाँ कोई तुम सॉरी आप विक्रम, क्राइम ब्रांच, मेरा हमशक्ल एक मुजरिम यहाँ एडमिट हुआ है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद अभी अभी यहाँ से चला गया सर, उसके साथ यहाँ आके उसे जबरदस्ती यहाँ से ले गए हैं सर। डैम इट, मेरे हाथ लगते लगते वो बच गया। लेकिन एक बात है सर, उसको यहाँ पर उसकी माँ लेकर आई थी। What? हाँ सर, उन्होंने उसको अपना खून भी दिया था। वो इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में है सर। ओहो, मतलब पृथ्वी की कोई माँ भी है, तो उनसे मिलने पर वो कहाँ है पता चल जाएगा। डॉक्टर इस वक्त वो कहाँ है? ऊपर के माले पर एक नंबर रूम में है सर। सुनिए माजी, माँ बेटा तुम्हें गोली लगी थी, यानी तुम भी मेरी तरह धोखा खा गई हो। बेटा आज तुमने खून देकर जिसे बचाया है वो मेरा ही हमशक्ल मुजरिम पृथ्वी है। आज तुम्हारी वजह से वो बच के भाग गया, बट आई वॉन्ट लीव हिम, आई सी हिज एंड। समझी थी वही मेरा पृथ्वी होगा। नमस्ते बहन जी। आप पृथ्वी की दया से जिंदगी गुजारने वाले कई बेसहारों में से मैं भी एक हूँ। हर औरत में अपनी माँ की मूरत देखकर मदद करने वाला देवता है वो। हम सबके भगवान को बचाकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस नंबर पर फोन करने के लिए कहा है। हाँ सीता, मैंने माँ को देखा, मैंने अपनी आंखों से माँ को देखा, प्यार और ममता से भरी उसी मूरत को इतने सालों बाद मैंने देखा, मैंने देखा सीता। देखिए, आपने कहा था कि आपने बचपन में अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा था, फिर आप किसे देख के? नहीं सीता, वही मेरी माँ है, मेरी माँ जिंदा है, वो इसे शहर में कहीं है, सबकी नजरों से छुपा के छोड़ा गया फोन नंबर, अगर उन्हें मिल गया होगा तो वो मुझे जरूर फोन करेंगे, मुझे यकीन है सीता। सीता ये माँ का ही फोन है, मेरी माँ ने मुझे फोन किया है। होती है मार पागल,
तुम ही इस दिल की जाओ धड़कन हो। जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ माँ, आज तुम्हारे आंचल में मुझे सुकून मिल रहा है। बेटा, तुमसे बिछड़ के मेरी जिंदगी जो वीरान हुई थी उसमें तुम हरियाली की तरह लौट आए हो, ये मेरे पिछले जन्म का पुण्य ही है। चलो बेटा घर चलते हैं, अपने छोटे भाई से भी मिल लेना। नहीं माँ, मैं अपने भाई से नहीं मिल सकता। वो क्यों? जब उसे पता चलेगा कि उसका एक बड़ा भाई है तो वो कितना खुश होगा। नहीं माँ, अगर वो जान गया कि मैं उसका भाई हूँ तो वो बहुत दुखी होगा। पृथ्वी। हाँ माँ, कानून की नजर में मैं एक मुजरिम हूँ। कानून के दायरे में मुझे पकड़ने का लक्ष्य रखने वाला एक बड़ा ऑफिसर है मेरा भाई। अगर वो जान जाए कि मैं उसका भाई हूँ तो इस सच्चाई को वो सह नहीं सकेगा। अपने डिपार्टमेंट की शान है वो, अपने ही साथियों के सामने सर नहीं उठा पाएगा। बड़े बड़े ऑफिसर उसकी बेइज्जती करेंगे, उस पर शक करेंगे, हो सकता है उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ऐसी हालत में मैं उसे नहीं ला सकता माँ। बेटा, इतने साल हमसे दूर अनाथ की तरह जीता रहा है, अब हम सबके होते हुए भी तुम अनाथ की तरह कैसे जी सकते हो? मानता हूँ माँ, लेकिन 25 साल पहले तुम्हारे सुहाग को उजाड़ के हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाले की तलाश में ही अपनी जिंदगी के इस कटीले रास्तों पर मैं चलता रहा हूँ। आखिरकार मुझे उस शंभो बिहारी का पता चल गया है। इस वक्त अगर वो जान गया कि विक्रम मेरा भाई है तो विक्रम को और उसके साथ साथ तुम्हें भी उस कमीने से खतरा हो सकता है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उस शंभो बिहारी को मैं अपने हाथों से मिटाऊंगा। उसके बाद मेरा भाई मुझे गिरफ्तार करके फांसी पर भी चढ़ा दे तो मुझे कोई गम नहीं। पृथ्वी, किसी भी हालत में मेरी परछाई विक्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसे इस हकीकत का पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए मुझे वचन दो माँ। देखा था पृथ्वी से माँ मिलने गई, लेकिन पता नहीं माँ ने मुझसे ये बात छुपा के क्यों रखी। शायद उसने तुम्हारी माँ को धमकाया हो। जो भी हो सच्चाई जाननी होगी। माँ, रानी एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर आई है, अगर वो बात सच निकले तो आज का दिन मेरी जिंदगी का अहम दिन बन जाएगा। ऐसी कौन सी खास बात है? बताता हूँ माँ, पहले अपने हाथों से मुझे पिस्तौल दो। पिछले कई दिनों से मुझे जिस मुजरिम की तलाश थी आज उसके ठिकाने का पता चल गया है। उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर भी मिल गया है। आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा वो पृथ्वी। कम ऑन रानी, हरी अप। उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर मिल गया है। हेलो बेटी, मैं हूँ। विक्रम तेरी तलाश में आ रहा है, तुझे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है उसके पास, तो कहीं भी। माँ,
माँ। बाबूजी बाबूजी, मैं यहाँ की नौकरानी बोल रही हूँ। मालकिन आपके साथ बात करते करते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, आप यहाँ जल्दी आ जाइए ना। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। पृथ्वी, डोंट प्ले एनी मोर ट्रिक्स पृथ्वी। अपनी पुलिस ट्रिक से मुझे पकड़ने का प्लान बनाया है पुलिस ब्रदर। कैसा ब्रदर? मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम ठहरे बाजारी गुंडे। हमारे बीच रिश्ता कैसे? आज के जमाने में पुलिस और गुंडे भाई भाई होते हैं, उसी रिश्ते से हम भी भाई हुए ना। यानी तुम कबूल करते हो कि तुम एक गुंडे हो? कबूल करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखकर खाकी वर्दी अगर आंखें मूंद ले तो हर एक इंसान गुंडा बनेगा। रुपयों के लिए बिकने वाली राजनीति अगर हाथ बांधकर चुपचाप बैठेगी तो नेक से नेक आदमी भी गुंडा बनेगा। खुद के लिए सफाई दे रहे हो? नहीं, उम्र में छोटे हो इसलिए समाज को समझने का मशवरा दे रहा हूँ। अगर पुलिस वाले सियासत वालों के किराए के गुंडे बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र की हालत कपड़े उतारे गए द्रौपदी की तरह हो जाएगी ब्रदर। लेकिन सभी पुलिस वाले? सभी या थोड़े बहुत। 100 करोड़ में से एक भाई ने अगर इंसाफ की बात की है तो क्या सारे कौरव शरीफ कहलाएंगे? हजारों पुलिस वालों में से तुम जैसा एक आदमी धर्म के रास्ते चलेगा तो क्या पूरे देश की हालत सुधर जाएगी? शट अप। देवता समान आईजी शर्मा जी को मारने वाले तुम खूनी को धर्म और इंसाफ के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। शर्मा जी के खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकते पृथ्वी। गवाह और सबूत कहते हैं कि तुम एक खूनी हो। तुमने जिसका खून किया जानते हो वो कौन? मेरी जिंदगी में दीप जलाकर मुझे रास्ता दिखाकर बेटे की तरह पालने वाले एक महान पुरुष थे वो। लेकिन विक्रम, सबका भला करने वाले उस इंसान की जान लेकर माँ समान एक औरत को तुमने विधवा बनाया है, छोटे छोटे दो बच्चों को अनाथ बनाया है। माँ का दूध पीकर पिता के कंधों पर खेल कर पले होते तो तुम्हें पता चलता कि प्यार रिश्ते क्या होते हैं। हवा के साथ उड़ने वाले कचरे की तरह अपने इर्द गिर्द बुराई फैलाने वाले तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? माँ कौन है, बाप कौन है, ये जाने बिना किसी के पाप से जन्म लेने वाले तुम। माँ, तुमसे पहले मुझे माँ पुकारने का हक रखने वाला है ये। अगर ये ना होता तो आज न मैं रहती और न तू रहता बेटा। 10 साल की उम्र में तुझे कोख में पालने वाली इस माँ को जब वो नीच लोग बेरहमी से मार रहे थे तो इसी ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। प्यार और अपनापन क्या है ये इससे बढ़कर और कौन जान सकता है? आंखों के सामने पिता को मरते देखकर उन हैवानों पर हमला करने वाले इसके अलावा प्यार के रिश्ते की अहमियत को कौन जान सकता है? कोख में तुम थे, दुनिया में कदम रखने से पहले ही उन नीचों के हाथों से अगर ये तुम्हें नहीं बचाता तो तुम जन्म लेने से पहले ही मर जाते। ऐसे आदमी से पूछो कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, क्या होता है। इतने साल इतने दिन अपना सब कुछ खोकर माँ की ममता के बिना अनाथ बनकर भटकता रहा। मुझसे मिलके सच्चाई जानने के बाद भी मेरी वजह से मेरे भाई को कोई परेशानी ना हो ऐसा सोचकर सच्चाई को तुमसे छुपाने का मुझसे वचन लिया। अब भी अगर तुम उसे खूनी समझते हो तो जाओ जाकर उन हाथों में हथकड़ी पहना दो, या फिर अगर अपने दिल में जरा भी जज्बात है तो जाकर उसके पांव पड़ो। भैया, मुझे माफ कर दो भैया। विक्रम, अरे बोले शंकर, क्या पिताजी अवश्य आएंगे ना? मेरे तार पाते ही पहली बस पकड़ के वो यहाँ जरूर आ जाएंगे। पता नहीं। पता कैसे नहीं, उनके आते ही अपनी नाग बाला को दिखाकर शादी का सारा इंतजाम करवा कर हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। बाद में ये खून का झंझट भी नहीं रहेगा और गुंडों की परेशानी भी नहीं रहेगी। ए राम प्रसाद, उधर देख, वो तो हमारे हाथों मरने वाला गंजा है ना। यानी वो मरा नहीं था? ओए, चलो
वो देख बदमाश भाग रहा है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। यानी वो गुंडे हमारे हाथों इसे मरवाने का नाटक करके हमें डरा धमका के ये सब गलत काम करवाते रहे। ये बात फौरन पुलिस को बतानी होगी। मास्टर जी, हमारी गली में बड़े पुलिस ऑफिसर रहते हैं, उन्हें ये सारी बात बता देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। अरे भले, मैं उस पुलिस वाले के घर जाता हूँ, तुम दोनों पिताजी को लेके आ जाना। ठीक है। बस अपने दोनों बेटों को एक साथ बिठाकर अपने हाथों से खाना परोस सकती हूँ, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज का दिन वाकई शुभ दिन है। सीता जाकर मीठा ले आओ। जी विक्रम, तुम खाओ, मैं हाथ धो के आता हूँ। बुरा मत मानना भैया, मुझे भूख लगी है, मैं शुरू करता हूँ। रानी, ये सब्जी बेटे को बहुत पसंद है, ले जाओ। आ जाओ भैया, खाना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, जल्दी से आके खा लो। रिपोर्ट लिखाने वालों को अतिथि बनाने की परंपरा होगी। दरअसल फोन भी अभी बजना था क्या? बड़ी मुश्किल से अकेले हाथ लगा है। हे भगवान, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, इतना ड्रामा मत करो बॉस। क्या बात रानी? दोनों क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई। शायद आप समझ के रानी ने इनको कुछ दिया होगा। देखो रानी, वो तुम्हारा वाला और ये मेरा वाला। नागबाला, बोले शंकर, मैं नागबाला का। क्या बात है विक्रम, क्या हो रहा है? पहले तो दो थे, तीन थे, दो और तीन है, तीन तो। आओ नागबाला, यही घर है ना? Oh my God, what is this जी? 1:3? गुरु, गुरु, गुरु! अरे बोलो ना गुरु, तुम ही मेरे गुरु हो ना? अरे बाप रे, अंदर कैसे, यहाँ तीन कैसे हो गए? अरे तू हट, मैं पता लगा लूँ। कैसे पता लगाओगे? स्वामी आजा, स्वामी आजा, स्वामी आजा नागबाला। मास्टर जी, अरे तू हट। बेटे, तुम मेरे बेटों की हम शक्ल हो, कौन हो तुम? इसका जवाब मैं देता हूँ बहन। जिसे मैंने पाला पोसा वो शिव प्रसाद कौन है, आप मुझसे सुनिए। 25 साल पहले घोर वर्षा में प्रसव वेदना से तड़पती हुई आप एक मंदिर में आई थी, याद है? उन जुड़वे बच्चों में से एक है शिव प्रसाद। भैया, भैया, छोटे, बड़े भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तीन महापुरुषों को जन्म देने वाली आप धन्य हैं बहन। यहां इन तीनों का संगम उस भगवान का संकल्प है। माँ, माँ, बेटा। माँ जी, सब भाई एक हो गए इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। बड़े भैया की शादी हो गई इसलिए अब दूसरे की शादी हो जाएगी, उसके बाद तीसरे की हो जाएगी, उसके बाद मेरी हो जाएगी, उसके बाद आखिर में इनकी हो जाएगी। क्यों रे भोले, जो मुंह में बकता जा रहा है। देख लिया सीएम, तेरी कुर्सी कैसे खिसक गई। पूरे देश को यकीन हो गया है कि कल रात उग्रवादियों ने तुझे अगवा किया है। तू इस वक्त मेरे कब्जे में है, ये कोई नहीं जानता। तेरी गैर मौजूदगी में असेंबली में मेरा बहुमत है, इसलिए मैं एक्टिंग सीएम बन जाऊंगा। तेरे लिए परेशान होकर तुझे बचाने की कोशिश करने का नाटक करता रहूंगा। 4 दिन के बाद इनसे अपने ही आदमियों से तुझे मरवा कर तेरी लाश को असेंबली के पास भिजवा दूंगा। सबके सब दंग रह जाएंगे। उसके बाद मैं परमानेंट सीएम बन जाऊंगा। कैसी है मेरी योजना? अरे बिहारी बाबा, मुझे हीरो रखकर आपने इतनी बड़ी फिल्म कब बनाई? अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आपके चरण कहा बिहारी बाबू। हमने तुम्हारे नेहले पे देहला कैसे मारा देखा पोपटलाल? विक्रम, इसी पल से भैया हम जोश में आएंगे तो इन्होंने सीएम को कहाँ छुपाया है पता नहीं चलेगा। इस वक्त उन्हें बचाना हमारा फर्ज है।
तुम अगर हमारी बात मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चलेगा, जाओ। बात यह है कि मैं पहले तुम्हारी पार्टी का प्रेसिडेंट बनूंगा, बाद में स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ठीक है महाप्रभु, आप कुछ भी बनिए, आपकी मर्जी, आप सीएम बनिए या पीएम बनिए, कृपया करके हमें वो कैसे दे दीजिए। सारा काम खत्म होने तक तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, इसे हमारे पास ही रहने दो, ले जाओ। पहले तुम्हारे सीएम को हमारे हवाले तो करो, कम ऑन। मेरे फोटो के साथ साथ उस वीडियो कैसेट को भी मार ले तो। हाँ, उस कैसेट की हमें बहुत जरूरत है। ठीक है। मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला इंसान कुर्सी के पीछे पागल क्यों हो रहा है? भैया कुछ नहीं, भैया भैया हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ, तीनों सगे भाई हैं। यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। ठहरो, हमारे घर में क्यों घुसे हो? तुम तीनों सगे भाई हो? ठहरो, वो जो गए हो क्या तुम्हारे बड़े भाई हैं? नहीं, मैं उसका छोटा भाई हूँ। अबे रुक रे डांस मास्टर। क्या हुआ? वो दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं ना? उन दोनों का प्यारा सा छोटा भाई मैं हूँ। तीनों ने एक ही जगह एक ही जैसे एक ही हाथ से मारा है, यानी ये तीनों एक ही शक्ल वाले ट्रिपल जुड़वे हैं। ओहो डैडी, पता लगा लिया मैंने। डैडी डैडी क्या है? बहुत बड़े से सृष्टि रहस्य का पता लगा लिया हूँ। वो क्या? यही कि भाई भाई हम टक्कर होने चाहिए, इसीलिए पृथ्वी विक्रम डांस मास्टर तीनों एक ही शक्ल के हैं। लेकिन यहाँ उसकी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, हम दोनों के बाप सचमुच तुम ही हो या किसी एक का दूसरा बाप है? खामोश, क्या बकरा है? बकरा नहीं हूँ, वो तीनों हम शक्ल भाई मेरे पास आए, तीनों ने एक जैसे मारा और एक वीडियो कैसे स्टाइल से उठा के ले गया। यानी मुझे चुनौती देने वाला पृथ्वी और उसके दोनों हम शक्ल लक्ष्मी देवी के ही बेटे हैं। अभी मैं जाके उन सबको यहाँ घसीट के लाता हूँ, तब उनका खेल खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ। मतलब अभी तक तू जिंदा है? तेरी मौत देखे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ? मेरी मौत इतनी आसानी से? मरती हालत में जान बचा के भागने वाली तू आज अगर कुत्ते के तीन पिल्लों की माँ कहलाती है तो मुझे मारने का ख्वाब देखती है? मैंने कुत्ते के पिल्लों को जन्म नहीं दिया, तीन तीन शेरों को जन्म देने वाली शेरनी हूँ मैं। वो तीनों तेरी मौत का मुहूर्त निकाल के यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। पहुँचने दे, उनकी मौत का मुहूर्त मैं निकालता हूँ। यस, तुम्हारे बदन से एक कतरा खून बहते हुए तुम्हारी तीनों बहुएं देखेंगी और उसके बाद तुम चारों की लाशों को तुम्हारे तीनों बेटे देखेंगे। सपने मत देख, मेरे खून का एक कतरा भी गिरा तो उस खून से जन्म लेने वाले मेरे बेटे चुप नहीं रहेंगे। मेरे खून के एक एक बूंद को एक एक सीढ़ी बनाकर तेरे पास आएंगे और तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। पंडित, इसे ले जाकर बांध दे। ले जाओ, घसीट के ले जाओ, ले जाओ कबे। अबे ओए सीएम, इस राजीनामे पर साइन करते हो या मरना चाहते हो? नहीं करूंगा। अरे देख रहे हो बिहारी बाबू क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलो। ओए, साइन करते हो कि नहीं? तू पृथ्वी का साथी है, यहाँ हमारे साथ जो सुलूक हो रहा है उसकी खबर जाके उस तक पहुंचा दे। मुझे मारकर ये खत मुझे थमाकर चला गया भैया। जब हमारे सामने उसकी दाल नहीं गली तो शंभू बिहारी ने माँ और तीनों लड़कियों को अगवा कर लिया।
अब मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा। मतलब जहाँ उन्होंने सीएम को रखा है वहीं इन्हें भी रखा होगा भैया। एक ही जगह होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन वो जगह है कहाँ, हम कैसे जान पाएंगे? वो लोग कहाँ हैं ये कबूतर जानता है, यही हमें रास्ता दिखाएगा। सीएम साहब को बाहर ले जाओ, जाओ। बेटा, आ, 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 आ,
आ जाओ, इसके टूटने से पहले यहां से निकलना होगा। मां जल्दी मेरे ऊपर चढ़ के निकल जाओ, जल्दी संभाल कर। विक्रम, शिवा, तुम दोनों भी जाओ। भैया मैं बाद में आ जाऊंगा, पहले तुम दोनों जाओ। जाओ नहीं, जाओ। विक्रम तुम भी जाओ, कम ऑन। Thank you.